हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लावण्या क्रिएशंस। आज हम आपको एक लेटेस्ट नेक डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे, जिसमें मैंने जिक्र किया है बेल डिज़ाइन का। देखिए, मेरे पास ये एक पैच है जो मेरे सूट के ऊपर लगा हुआ था, इसको मैंने इससे सेपरेट किया है। अब इस पर मैं आपको एक डिज़ाइन बेल शेप में बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले इसको मैंने फोल्ड कर लिया है सेंटर से। सेंटर से फोल्ड करने के बाद मैं इसको मार्क करूँगी विद द हेल्प ऑफ चॉक। ये देखिए, मेरे को जितनी लेंथ करनी है नेक की, उस पर मैं मार्क करती हूँ। पहले मेरे को लेंथ रखनी है अपनी नेक की 2 इंचेस। डिज़ाइन और नेक के बीच में मैं 1 इंच लूँगी। ये देखिए, 9.5 इंचेस पर मैंने मार्क कर दिया है। नाइन पॉइंट फाइव से नीचे मैं अपना डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 6 इंचेस बच गया है। अब ये देखिए, मैंने पहले से ये बेल शेप में डिज़ाइन कट करके रखा है। आप भी इसी तरह से एक डिज़ाइन क्रिएट कीजिए ऑन फ्यूज़न पेपर। इस शेप में आप काट लीजिए। ये देखिए, मैंने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद मेरा कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल एकदम बेल की शेप में है। अब मैं इस पैच को रख लेती हूँ ताकि मैं नेक्स्ट अपनी बेल्स सेम साइज़ में कट कर सकूँ। अब इस पैच पर मैं आपको बेल शेप डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ। ये इस तरह से बिल्कुल सेंटर में मुझे पेस्ट करना है। देखिए, अब इसको किस तरह से मैं क्रिएट करती हूँ। मैंने कपड़ा लिया, उस पर मैंने इसको रख कर स्टिचिंग कर दी है। अब मैं इसको कट कर दूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है, ये देखिए। कट करने के बाद मैं इसको, क्योंकि ये राउंड शेप में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस पर मैं कट के मार्क्स कर देती हूँ ताकि मेरे को इसको फोल्ड करने में दिक्कत ना आए। कट लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से फोल्ड कर दूंगी, स्टिचिंग लगा दूंगी इधर। स्टिचिंग करने के बाद देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसको मैंने अच्छी तरह से स्टिच कर लिया है। इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस पर मार्क करेंगे। अब अपने पैच पर भी मैं सेंटर से इसको मिलाती हूँ। सेंटर टू सेंटर मिलाने के बाद ही हम इसको अच्छे से बना पाएंगे। मैंने अपने डिज़ाइन को बिल्कुल सेंटर में रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब इस पर मैं एक स्टिचिंग करूँगी, सेंटर टू सेंटर मिला दिया जाएगा। ये देखिए, स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह से होगा और आप इसको ऐसे रीचेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका इक्वल आ रहा है, इसका मतलब मैंने इसको सही से स्टिच किया है। अब इसके सेंटर से जो बीच का डिज़ाइन है, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए किस तरह से स्टिचिंग लगाने के बाद हम इसको कट करेंगे। पहले मैं इसको अच्छे से स्टिच कर देती हूँ। फ्रेंड्स, आपको एक बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जो इसके एजेस होते हैं वहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से सिलाई लगानी है, नहीं तो आपके एजेस बिल्कुल भी ठीक से नहीं निकल पाएंगे। ये आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको इसको पलटते वक्त दिक्कत आ सकती है। मैंने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, अब मैं इसको निकाल कर इसको सेंटर से कट करूँगी इस तरह उठाकर। ये देखिए,
मैं इसको कट कर दूंगी, शेप मैं इसको कट करूंगी इस तरह से। इस तरह से मैं इस शेप को कट कर लिया है, ये देखिए। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको ये कट लगाते वक्त स्टिचिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए, स्टिचिंग कट जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर से आपको स्टिचिंग करनी पड़ेगी। एजेस पे बहुत ही ध्यान से कट लगाएं। कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आप अपनी शेप को अच्छे से फिनिशिंग दे पाते हैं। इसको पलटते वक्त एक अच्छी शेप मिलती है इससे, ये देखिए। मैं इसको नेल से प्रेस कर रही हूँ, आप इसको आयरन की हेल्प से भी ठीक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये अब मेरा बन चुका है। इसी तरह के बेल डिज़ाइंस मैं अब अपनी सूट में बनाऊंगी। इस पैच को इस पर पेस्ट कर देती हूँ। सेंटर से सेंटर मिलाने के बाद इसमें कोई कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे ऑटोमेटिकली मेरा फैब्रिक आ चुका है। ये बहुत एक डिफरेंट डिज़ाइन है, आप अगर इसे देखेंगे तो इसे ज़रूर बनवाएंगे या बनाएंगे। आप इसको इससे स्टिच कर लीजिए, ये देखिए। क्योंकि ये राउंड शेप में स्टिचिंग हो रही है तो इसको आपको बहुत ही केयरफुली करना होगा। देखिए दोस्तों, मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैंने ये ऊपर का नेक बनाने के लिए कटिंग की हुई है पहले से, अब इसको मैं इस तरह से इस पर बना दूंगी। जैसे मैंने अपनी बेल शेप बनाई है उसी तरह से मैं इसको बना दूंगी। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको, जैसे मैंने बेल शेप बनाई थी उसी तरह से अपने नेक का डिज़ाइन भी बेल शेप में ही क्रिएट किया है, और इसी तरह से इसको मैं इस पर पेस्ट करके लगा दूंगी। ये देखिए, मैंने अब हाफ स्टिचिंग कर ली है, हाफ मेरी रह गई है, इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। इस तरह से बिल्कुल इसके साथ साथ आपको जाते हुए स्टिचिंग करनी है। फिर से मैं बता रही हूँ दोस्तों, आपको एजेस का बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आप एजेस का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये सेम और एकदम शार्प नहीं आ पाएंगे। मैंने स्टिचिंग कंप्लीट की है अपनी। कंप्लीट करने के बाद मैं इसको एज इट इज़, जैसे मैंने पहले अपनी बेल शेप को कट किया था, इसी तरह से मैं अब इसको भी मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लूँगी। ये देखिए, एंड एज यू नो, बी केयरफुल। कट करने के बाद अगेन मैं इस पर हल्के हल्के कट लगाकर इसको रिवर्स कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से इसको पलटने के बाद ये डिज़ाइन मेरा कुछ इस तरह से दिखाई देगा, देखिए।
अगेन ये एक बेल शेप बन चुकी है। ये देखिए एज इट इज़ अब मैं अपना बेल शेप डिज़ाइन अपनी स्लीव्स में डालने जा रही हूँ। ये देखिए ये सेंटर है मेरी स्लीव का। अब मैंने ये बेल शेप डिज़ाइन तैयार किया हुआ है पहले से। अब ये तैयार करने के बाद मैं इसको सेंटर में फिर से पेस्ट कर दूँगी जैसा मैंने पहले करके बताया है। और अब मैं इसको फिर से कट कर रही हूँ। स्टिचिंग करने के बाद मैं इसको सेंटर से कट कर रही हूँ जैसा मैंने आपको पहले करके दिखाया है। सेम एज इट इज़ ये भी वैसे ही किया जाएगा। ये देखिए अगेन मैं कट दे रही हूँ इसमें, बट बी वेरी केयरफुल। कट हमेशा सीजर की नोक से ही लगाएं। ये देखिए अब इसको मैंने फिर से पलट लिया है। पलटने के बाद देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये मेरी शेप क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसमें सेंटर में टसल्स और बटन लगाकर इस डिज़ाइन को प्रेजेंट करने जा रही हूँ। ये देखिए फिनिशिंग देने के बाद, और मैंने इसमें आपको पाइपिंग भी निकाल कर लगाई हुई है। ये पाइपिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से टेसल्स और बटन लगाने के बाद ये डिज़ाइन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट नेक डिज़ाइंस के लिए प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियोस देखती रहिए, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।